नेक्स्ट हम जिस टैक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, टीसीएस। टीसीएस के लिए हम एक पहले कंपनी बनाते हैं, फिर हम डिस्कस करेंगे कि टीसीएस क्या है। सबसे पहले मैंने एक टीसीएस के लिए कंपनी बनाई। मान के चलो कि हमारी कंपनी है टिम्बर कॉरपोरेशन, ठीक है, प्राइवेट टिम्बर कॉरपोरेशन, बस टिम्बर कॉरपोरेशन, या जो मर्जी हम नाम दे सकते हैं, जैसे सोम नाथ टिम्बर कॉरपोरेशन, टिम्बर प्राइवेट लिमिटेड कर देते हैं, ठीक है। एंटर, एड्रेस हमने देना है, दे सकते हैं, स्टेट हम लेते हैं हरियाणा, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, ये हम सब सारी डिटेल है। अब हम अकाउंट्स विद इन्वेंट्री ही लेंगे क्योंकि हमारी कंपनी टिम्बर में डील करती है। एंटर, एंटर, बाकी हमने कुछ नहीं लेना। अब हमारा काम है F11 फीचर्स से कुछ फीचर्स को अनेबल करना। जैसे कि हम जाते हैं इन्वेंटरी फीचर्स में, सबसे पहले इंटीग्रेट अकाउंट्स इन्वेंटरी, यहां पे यसो रखा है, बाकी गोडाउन कैटेगरी हम यहां पे कुछ नहीं लेते। डेबिट नो, ट्रैक एडिशनल कॉस्ट, मर्चेंट ट्रैकिंग नंबर नो, रिजेक्शन ट्रैकिंग नंबर तो हम ले सकते हैं चाहे तो, यस, ठीक है, एंटर। बाकी स्टॉक कैटेगरी बैच वाइज हम कुछ मेंटेन नहीं करते, एंटर, एंटर। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में हमारे लिए कुछ ऐसा नहीं है जो हम यस करें, मैं स्किप कर देता हूं। फिर आते हैं हम स्टैट्यूटरी इंफॉर्मेशन में, यहां हमें क्या क्या यस करना है, एक तो वैट, सेट ऑल्टर वैट डिटेल्स हरियाणा, रेगुलर वैट, ठीक है, इकोनॉमिक कोड, ऑथोराइज पर्सन गुरजीत सिंह, स्टेटस, डेजिग्नेशन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, प्लेस पंचकूला, ठीक है। बाकी हमने यस करना है एफबीटी, सॉरी एफबीटी कह रहा हूं, यहां पे एफबीटी तो नो रखना है, यहां पे ये है ऊपर टीसीएस, ये रहा, ये यस करना है। नेक्स्ट हम यस करेंगे सेट अल्टर्स टीसीएस डिटेल्स, फिर हम डालेंगे टैक्स असेसमेंट नंबर यानी टैन, एंटर। हेड ऑफिस असेसमेंट नंबर हम छोड़ देंगे, इनकम टैक्स सर्कल और वार्ड पंचकूला, सर्कल, ठीक है, कलेक्टर टाइप गवर्नमेंट नहीं है, अदर्स, यानी हमारी कंपनी क्या है, गवर्नमेंट कंपनी है या अदर्स में आती है, यानी कोई प्राइवेट प्राइवेट लिमिटेड भी है। नेम ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल गुरजीत सिंह, एंटर। डेजिग्नेशन चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, एंटर, एंटर, एंटर। वैट का टिन नंबर हम डाल सकते हैं, एंटर। लोकल सेल टैक्स नंबर, पैन नंबर, एक्सेप्ट। तो इस तरह से हमने एक नई कंपनी क्रिएट की और उसमें टीसीएस अनेबल कर दिया और साथ के साथ वैट भी अनेबल कर दिया। तो फिलहाल तो मैं इस टॉपिक को ही स्टॉप करता हूं। थैंक यू वेरी मच।